नमस्कार। कर्नाटक की इस जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। 10 तारीख को यहां पर मतदान होना और 13 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। और इस बीच एनडीटीवी के लिए लोक नीति सीएसडीएस ने कर्नाटक में एक सर्वे कराया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक वासियों के दिल में क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में छाए हुए हैं और जिन पर आम आदमी का वोट निर्भर करेगा। और इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, जिसमें 28% कर्नाटक के जो लोग हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है गरीबी, जो 25% जो सर्वे कराया गया उसमें 25% लोगों का मानना है गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ये तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। और यहाँ पर अब आपको बताते हैं जो पूरा सर्वे कराया गया है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय। तो सबसे पहला सवाल जो था, जो हमने पूछा, वो था कर्नाटक चुनाव में मतदान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कर्नाटक चुनाव मुद्दा सबसे बड़ा क्या है। पाई चार्ट आ गया है जिसमें बेरोजगारी 28% है, गरीबी 25%, विकास की कमी करीब 7%, महंगाई 7%, शिक्षा 7%, भ्रष्टाचार घोटाले 6%, अन्य मुद्दे 19%, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये शायद वो लोग हैं जिनको लगता है कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन इसमें एक रोचक चीज निकली, अगर आप बेरोजगारी और गरीबी को मिला दें, क्योंकि लगभग इन दोनों चीजों का वास्ता एक दूसरे से होता है, तो 53% होता है। यानी कि कर्नाटका के दिल में वोटरों का अहम मुद्दा बेरोजगारी और गरीबी 53%, ये आपके स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां 53%। आइए जरा और डेटा में जाते हैं, गोता लगाते हैं और आपको दिखाते हैं ये आंकड़ा। तो बेरोजगारी और गरीबी अहम मुद्दे हैं। इसमें बेरोजगारी जो कुल जवाब दिए गए सर्वेक्षण में, 28% लोगों का यह मानना था कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसमें 18 से 25 साल के लोग जो हैं वो 38% थे। तो कर्नाटक में वोटरों के लिए अहम मुद्दा, अब महंगाई के बारे में बात करते हैं। तो महंगाई से जुड़े हुए आपको कुछ आंकड़े दिखाएं। तो कर्नाटक में जिन लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया या बताया, उसमें से 67% का यह मानना है कि महंगाई बढ़ी है, 9% कहते हैं कि घटी है, 23% कहते हैं कि पहले के जैसी ही है, जस की तस, और 1% कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह महंगाई का आंकड़ा। इसके बाद भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करते हैं। 51% लोग जिन्होंने ये बोला कि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसमें उनका यह मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। 35%, एक बार आपको फिर से वो पाई चार्ट दिखाएं जिसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो 51% लोग हैं जिनका ये मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये रहा आपके स्क्रीन। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या है। पहले के जैसा ही ये 35% मानते हैं कि वोटरों के लिए कौन से स्थानीय मुद्दे अहम है, लोकल इश्यूज, क्योंकि ये बात अभी जेडीएस कह रही थी कि लोकल इश्यूज पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम लोकल इश्यूज पर हैं, बीजेपी तो नेशनलाइज करती है चुनाव को, ये हमने हर जगह देखा। तो उचित व्यवहार होता है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उत्तर कर्नाटक से कैसा व्यवहार होता है आपको वो बताते हैं। तो जो सर्वेक्षण है उसमें जो लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने बोला कि उचित व्यवहार होता है। 28% वो कहते हैं कि नॉर्थ कर्नाटका के साथ उचित व्यवहार होता है। 41% कहते हैं भेदभाव होता है, राज्य के बाकी क्षेत्रों जैसा ही व्यवहार होता है, ये 12% का मानना है, और 19% कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल पूछा गया, बेंगलुरु बनाम अन्य क्षेत्र, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों, बेंगलुरु बनाम अन्य क्षेत्र, मतलब कि बेंगलोर को कितना तवज्जो दी जाती है, तो अधिक अहमियत मिलती है ऐसा 66% लोगों का मानना है। तो अगला सवाल यह था कि आप निम्न मुद्दों पर सरकार के काम का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो नतीजे अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। सड़क, तो जो रिस्पोंडेंट्स थे उसमें 52% लोगों का मानना भाई सुधार हुआ है, 31% कहते हैं जस का तस,
16% कहते हैं सड़कें खराब हुई हैं, बिजली आपूर्ति 46% कहते हैं सुधार, 43% कहते हैं जस का तस, 10% कहते हैं गिरावट आई है। तो ये नाखुश लोग जो हैं वो कम हैं। अब अगला आंकड़ा है पेयजल यानी कि वाटर, 51% कहते हैं सुधार, 35% कहते हैं कि वैसा ही है और 14% कहते हैं गिरावट। सरकारी अस्पताल, ये जो लोकल इश्यूज हैं इनकी बात हो रही है, 30% कहते हैं सुधार हुआ है, 48% कहते हैं जस का तस, गिरावट की संख्या 21%। ये आंकड़े भी बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। सरकारी स्कूल 35% मानते हैं कि सुधार, 45% कहते हैं कुछ भी मतलब वैसा ही है, बदला नहीं स्थिति, 18% कहते हैं ये तो और खराब हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार के कुल प्रदर्शन पर वोटरों का मूल्यांकन, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। राज्य और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना काम कर रही है कर्नाटका के वोटर्स के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट, तो पूरी तरीके से संतुष्ट जो लोग हैं, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट हैं, वो 27% और केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम में 24% पूरी तरीके से संतुष्ट। कुछ हद तक संतुष्ट का आंकड़ा देखिए वो भी बहुत हाई है दोनों में ही, और कुछ हद तक असंतुष्ट और पूरी तरीके से असंतुष्ट कर्नाटक में जो लोग हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम के बारे में बता रहे हैं वो 19 और 20% ही है। सारे मतदाताओं को देखें तो उसमें 28% कहते हैं कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है उनके लिए, लेकिन जो युवा मतदाता है जो रोजगार की तलाश में है 18 से 25 वर्ष के युवा, उनमें ये मुद्दा ज्यादा अहम है और उन्हें 38% के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। तो जो इशू ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब ये कितना जरूरी है उनके लिए, ये वो आंकड़े हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तो यही जो आप गरीबी की बात कर रहे हैं कि उसमें 25% पूरे कर्नाटक में 25% लोग कहते हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का अंतर दिखा रहे हैं। ग्रामीण मतदाताओं के लिए ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है 30%, शहरी मतदाताओं के लिए सिर्फ 19%। और अब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर महिला पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। 7 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी बृजभूषण शरण सिंह से ना तो अभी तक उसने पूछताछ की है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहां पर की है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, आखिर क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। आपको तन से मन से और धन से समर्थन होगा। हम भी पहलवानों का समर्थन करने के लिए खाप पंचायतों, विपक्षी पार्टियों और किसान संगठनों से जुड़े लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत भी पहुंचे। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन FIR दर्ज नहीं की। रेजिग्नेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अरेस्ट करके कस्टोडियल इंटरोगेशन। टीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की योजना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी पुराने हैं। इनमें 2012 से लेकर 2022 तक की घटनाओं का जिक्र है। पुलिस पहले महिला पहलवानों के बयान दर्ज करेगी, फिर CRPC 164 के तहत उनके बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी। घटनाओं के वक्त पीड़ितों और आरोपी की लोकेशन की जांच होगी, पीड़ितों और आरोपी के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज की जांच होगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद सबूत मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके पास पहलवान बजरंग पुनिया का ऑडियो है, वो उन्होंने खेल मंत्रालय की जांच कमेटी को सौंपा है। उनके पास बेगुनाही के सबूत हैं, जो हो रहा है वो कांग्रेस की साजिश है। मेरे इस्तीफा देने से वो घर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो शुरू से स्पष्ट है भैया जी, ये खिलाड़ी खिलौना बन गए हैं कांग्रेस के हाथों का और विपक्षी दलों के हाथों का। ये इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है, इनका राजनीति है। किसान नेता राकेश टिकैत भी मंगलवार को पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचेंगे। किसी आम महिला की शिकायत पर कोई आम आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो गया होता, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और जिस पर आरोप है वो काफी रसूखदार है, बीजेपी का नेता है। इसलिए सवाल ये है
कि क्या जांच की दिशा दिल्ली पुलिस ही तय कर रही है या फिर कोई और। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल यह है कि जिस शख्स पर आरोप है वो रसूखदार है, कुश्ती संघ का अभी भी वो अध्यक्ष है, बीजेपी का सांसद है, ऐसे में महिला पहलवानों की जांच की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं उनको संदेह है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अगर मेरी पार्टी मुझे कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कि अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जितने आप कह सकते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। तो कर्नाटक चुनाव में आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस वादे कर रही है, सिद्धारमैया यहां पर पहले कह चुके हैं कि 10 किलोग्राम जो है राशन दिया जाएगा गरीब परिवारों को, साथ ही 200 यूनिट बिजली जो है हर महीने मुफ्त दी जाएगी। तमाम वादे किए हैं, देखना होगा घोषणा पत्र में आज क्या कुछ निकल कर आता है। तो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए अब सिर्फ 8 दिन ही बाकी है। सभी पार्टियों ने प्रचार में अपना पूरा जोर यहां पर लगा दिया है। आज से प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तक धुआंधार यहां पर प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री चित्रदुर्ग, होसपेट, सिंध नूर में रैली करेंगे और आज शाम कलबुर्गी में रोड शो करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी कई रैलियां करेंगे, रोड शो कर रहे हैं। वो मैसूर, चामराजनगर में रैली करेंगे, इसके बाद बेंगलुरु में 3 रोड शो करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार में जुटे हैं। राहुल जो है तारथल्ली, हासन और चिकमंगलूर में रैली और रोड शो करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी मांड्या में रैली करेंगी और इसके बाद चिंतामणि, होसकोटे, सीवी रमन नगर में रोड शो करेंगी। कल 2 अलग अलग रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधा। अमित शाह ने अपने रोड शो में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। बेंगलुरु और मैंगलोर में उनका ये पूरा दौरा रहेगा। काफी बताया जा रहा है कि प्रवासी राजस्थानी यहां पर रहते हैं जो अब भी राजस्थान से करीबी का अपना रिश्ता महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ राजस्थानी ही नहीं, राजस्थान की समाज कल्याण की योजनाओं की भी मार्केटिंग एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटक में अशोक गहलोत कर रहे हैं। और ये गहलोत मॉडल जो है कांग्रेस के लिए चुनावी मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका में राजस्थानी प्रवासियों से संपर्क साधते और कांग्रेस का प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बंगाल के अंदर, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह आपको राशन मिलेंगे। मैंने इतनी बड़ा आपको आपका चुनाव आपके गाँव में मना रहे हैं और मैं क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मैं अपील करूंगा आप कांग्रेस कामयाब करने चाहते हैं। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की सूची में अब सिर्फ अशोक गहलोत हैं। उनके प्रतिद्वंदी सचिन को सूची से हटा दिया है। साफ है गहलोत की गवर्नेंस मॉडल का प्रचार ही कांग्रेस चाहती है। किस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी में आपस में खड़ा होते हैं? राहुल गांधी जी पिछली बार 6,000 की प्रतिमा की बात की थी, वो एक एग्जाम्पल देश के सामने। वो तो लेट हो गए थे चुनाव के अंदर, लेट हो गए थे, वरना वो स्कीम वही है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी इस प्रकार से। वो ये मैं कहना चाहूंगा अब राजस्थान की समाज कल्याण योजनाओं का कर्नाटका में असर पड़ेगा या नहीं, ये देखना आगे है। बेंगलोर की हृदय स्थली में ये तीनों विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पे हमारे प्रवासी मैक्सिमम निवास कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 3.5 और 4 लाख की आबादी जो है हमारे प्रवासियों की इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में है।
4 लाख परिवार है, मतलब 4 लाख की संख्या है, उसमें से वोटर्स होंगे आपके लगभग 1-1.5 लाख वोटर्स होंगे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। बैंगलोर में करीब 4% राजस्थानी प्रवासी है, लेकिन अशोक गहलोत का यहाँ आने का मकसद सिर्फ उनके साथ जनसंपर्क करना नहीं है, बल्कि जो गहलोत मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो अब ये उद्देश्य से कांग्रेस उनको यहाँ लेकर आई है कि ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस जहाँ समाज कल्याण की योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, इसको अब सब कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ बेंगलुरु से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं, जिनको 2 साल की सजा के मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच में उनकी सुनवाई होनी है। मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। आपको बता दें, राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले केस में उस केस से गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस गीता गोपी ने 26 अप्रैल की पिछली सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इससे पहले इस मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी, उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। अगर हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचेगा। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली हुई और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी नेता अजित पवार समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि देखिए, हम सब एक साथ हैं। लगातार सवाल हो रहा था कि क्या अजित पवार सभा में शामिल होंगे, आप देखिए अजित पवार सभा में मौजूद हैं, मंच पर दिख रहे हैं। वहीं रैली में उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस की सरकार के कुछ ही दिनों का खेल बचा हुआ है और इसका गिरना तय है, खारगर हादसे पर। यहां पर उन्होंने बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि ये घटना महाराष्ट्र के इतिहास पर काला धब्बा है, इस मामले में अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है, हमने विशेष जांच की मांग की है, ये सरकार संवेदनहीन है। सोमवार को मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की ओर से वज्रमूठ सभा का आयोजन किया गया और इसमें अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उन्होंने विपक्ष किस तरह से एकत्रित है ये एक बार फिर से बता दिया। अजित पवार को लेकर जहां पर कई अटकलें लग रही थी तो वो तो स्टेज पर मौजूद ही थे, वो एनसीपी के तौर पर जहां पर नेताओं को बात करना था, अजित पवार ने यहां पर भाषण भी किया। अगर बात करें तो हर एक जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट की बात करें, तीनों पार्टियों की ओर से अलग अलग नेताओं ने भाषण किया। कांग्रेस की ओर से भाई जगताप, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात किया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बातचीत की और साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी लोगों को संबोधित किया। एनसीपी की ओर से जितेंद्र आवार, जो मुंबई से सटे थाने से आते हैं, उन्होंने भाषण दिया और अजित पवार, जो विरोधी पक्ष नेता है जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा था, उन्होंने बातचीत की। शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात करें तो आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। अगर भाषणों की बात करें तो एक जो कॉमन चीज़ इन सभी के भाषणों में दिखी वो थी मुंबई और बीएमसी को लेकर उनके भाषण। उनका ये कहना है कि बार बार मुंबई को किस तरह से महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की गई, जो कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया। मुंबई में फिलहाल जो महानगर पालिका है उसमें कोई सत्ता नहीं है और उसे लेकर भी सवाल उठा है कि 1 साल से ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। आज 1 तारीख की अगर बात करें, 1 में महाराष्ट्र दिन भी है तो उसे लेकर भी कई सारी चीज़ें कही गई। कहा गया कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो वैल्यू है उसे दिन ब दिन कम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ किस तरह से महाराष्ट्र के जो उद्योग हैं उसे दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। बारसू का भी जिक्र किया गया, जहां पर रिफाइनरी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 6 तारीख को वो बारसू भी जाने वाले हैं और अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर उन्होंने महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, उन पर हमला किया। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे वज्रमूठ का ये तीसरी सभा थी जिससे पहले छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में हुआ है और एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी ने विपक्ष किस तरह से एकत्रित है ये बताने की कोशिश की। इस सभा में मुंबई पर उनका फोकस ज़्यादा रहा और जाते आते उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि आप अभी
महानगर पालिकाएं चुनाव करा लीजिए, आप महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के चुनाव करा लीजिए, या अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका तीनों के चुनाव साथ में करा लीजिए। महाविकास आघाड़ी साथ में है और हम जीत के दिखाएंगे। तो बीएमसी का जो चुनाव जो एक साल से ज़्यादा समय से अभी होना बाकी है, उसके लिए कम से कम विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और अपने आप को मजबूत और एकत्रित विपक्ष दिखाने की कोशिश वज्रमूठ की सभा से महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा निकाय सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर लगाना यहां पर शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। अतीक अशरफ मर्डर के बाद ये उनकी पहली प्रयागराज यात्रा होगी। मुख्यमंत्री अपने प्रचार में कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा यहां पर बना रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश 2024 चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने की भी है। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि माफिया की बात कर योगी सरकार अपने खराब काम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, आज 11 बजे प्रयागराज के लूकरगंज प्रेस ग्राउंड में सभा करेंगे और इसके पहले कल मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ ने सपा की पिछली सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, माफियाओं का राज चल रहा था, साथ ही शहर कूड़े का ढेर बने हुए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने पर कानून व्यवस्था पटरी पर आ गई है। तो किस तरह से एक दूसरे को वार पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, देखते हैं। सत्रह के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे नगर कूड़े के ढेर माने जाते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती थी, असुरक्षा का माहौल था। पर्व और त्यौहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, भय और वसत का माहौल बन जाता था। और प्रदेश के अंदर हमारी युवा शक्ति, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस युवा शक्ति को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास के पास उनके वाईफाई को इस्तेमाल करने वाले पर छापा पड़ा है। जो प्रधानमंत्री आवास के पास कोई रहता है, बड़ा दमदार आदमी है कोई रहता है, उस पर एसटीएफ ने छापा मारा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बताओ, एसटीएफ यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे को टक्कर? आगे बढ़ते हैं। फर्जी कॉल्स और एसएमएस से अभी तक आप परेशान रहे हैं, तो अब इस समस्या को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसके लिए ट्राई ने कमर कस ली है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। स्पैम कॉल्स और एसएमएस को जो है अब हम अलविदा बोल सकते हैं। जी हाँ, आप और मेरे जैसे जो कस्टमर्स हैं, अब हम जो स्पैम कॉल्स और जो एसएमएस जो हैं, जो कि अननोन नंबर से आते थे, जो हमें परेशान करते थे, उसको अब हम अभी के लिए अलविदा कह सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने जो है टेलीकॉम कंपनीज के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं और इस दौरान उन्होंने एक फैसला अब जो है आज से हम उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा और हम जैसे कस्टमर्स को एक राहत मिलेगी। तो ये फैसला क्या है? ये फैसला ये है कि जो एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे बोला गया है, काफी कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को बोला गया है और मैंडेट दिया गया है कि एआई को यूज करें और जो है ऑटोमेटिकली जो एसएमएस सर्विसेज थी या जो कॉल की सर्विसेज थी फेक कॉल की, उनको जो है ऑटोमेटिकली एआई से ये फिल्टर हो जाएं और अभी आपके और मेरे तक
ये कॉल्स और ये मैसेजेस ना आ पाए। तो ये एक फ्रेश उम्मीद है कि अब से हमें फेक कॉल्स से और यहाँ की एसएमएसएस से छुटकारा मिल जाएगा। और अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। पुंछ हमले को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार ने 14 ऐप बैन किए हैं जिनके जरिए आतंकी गुट सूचनाओं का लेन देन कर रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है। खुद डीजीपी का कहना है कि जो गोला बारूद हमले में इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तान से आया था। पुंछ हमले की इन तस्वीरों ने दिल्ली को G20 की सुरक्षा को दोबारा रिव्यू करने के लिए मजबूर कर दिया। इस महीने के चौथे हफ्ते यानी 22 मई को G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है। पुंछ हमले की जांच में पाकिस्तान लिंक सामने आ गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रजौरी पुंछ इलाके में 9 से 12 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं जिन्होंने हाल ही में घुसपैठ की हो सकती है। रजौरी जिले के दरहल इलाके में चल रहे तलाशी अभियान का जायजा लेने खुद DGP दिलबाग सिंह वहां पहुंचे। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसी का हाथ कैसे है, जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेती है, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अम्यूनिशन राशन पानी और बाकी चीजें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है। अभी तक पुंछ आतंकवादी हमले के सिलसिले में 225 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जम्मू में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 6 लोगों में से एक सरकारी कर्मचारी और एक मौलवी शामिल है। ये कार्रवाई पुलिस ने एजेंसियों द्वारा साझा किए गए खुफिया इनपुट के आधार पर की है। DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक आरोपियों में से एक की पहचान निसार अहमद के रूप में हुई है जिसने कबूल किया है कि वो और उसका परिवार हमले में शामिल थे। ये लोग पिछले 2 से 3 महीनों से आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। हमले के लिए पाकिस्तान से भेजा गया गोला बारूद और ग्रेनेड भी इन लोगों ने ही दिया था। उधर भारत सरकार ने 14 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है जिनका इस्तेमाल आतंकवादी पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर की गुप्त जानकारियां भेजने के लिए कर रहे थे। ऐप्स का उपयोग आतंकी अपने समर्थकों और ऑन ग्राउंड वर्कर्स से संवाद करने के लिए कर रहे थे। इस महीने के अंत में श्रीनगर में G20 मीटिंग होने वाली है, उसे लेकर लगातार जो है सिक्योरिटी रिव्यू न सिर्फ जम्मू कश्मीर में चल रहा है बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी चल रहा है। जानकारी अब ये मिल रही है कि एक उच्च स्तरीय जो डेलीगेशन है होम मिनिस्ट्री से वो जल्द ही श्रीनगर जाएगा ताकि वो वहां पर जाकर एक बार फिर से G20 की सिक्योरिटी को रिव्यू कर सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीधा चल रहे हैं बेंगलुरु जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರೇ ಬರ್ತೇವೆ, ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪದವೀಧರ ಯುವಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಇದು ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮೊದಲು 5 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತದನಂತರ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು 3ನೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬೇಕು,
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರು ಲೋರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು। तो कांग्रेस ने अपना यहाँ पर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कई वादे यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, जिसमें जो किसान है, खासकर नारियल से जुड़े हुए, जो उनको MSP का वादा किया है और मिल्क सब्सिडी उसको बढ़ाने की भी बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में 14वीं सदी का एक किला है तुगलकाबाद किला। ASI द्वारा संरक्षित इस किले में छोटी मोटी छेड़छाड़ करना भी जुर्म है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई है, जिसको अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। केंद्र ASI और DDA से जवाब मांगा है। दक्षिण दिल्ली की तुगलकाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले के अंदर बीते दो दिनों से ये बुलडोजर यूं ही चल रहे हैं और हजारों लोगों से उनका आशियाना छीन रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से तुगलकाबाद किले के अंदर खाली पड़ी जमीन पर प्लॉट काटे गए और अवैध निर्माण हुआ। इसका नाम बंगाली कॉलोनी पड़ गया। इस कॉलोनी में ज्यादातर दिहाड़ी पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले या छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। लोग बता रहे हैं कि डीलरों ने उनको ये कहकर प्लॉट बेचा कि जमीन उनकी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। तो आपने जमीन खरीदी थी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या कोई रजिस्ट्री वगैरह भी हुई आपकी? कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं है, बस केवल आपको ये कह के बेच दी कि किसी ने कहा कि ये मेरी जमीन है, मैं बेच रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये करके कितने में आपका जमीन आपने खरीदी, कितने का वो है आपका? सर, जमीन तो हमने 6 लाख रुपए खरीदी थी और बनाने में लग गया पैसे। अच्छा, 6 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी। कितना खरीदा था आपने? हमने खरीदा था 50 गज खरीदा था। आपने कब खरीदी यहाँ पर जमीन? यहाँ पे मुझे लगभग 8 साल हो गए खरीदे हुए। 8 साल पहले आपने खरीदी थी। तो कितने में कितनी जमीन खरीद ली थी आपने? जी, मैंने लिया था उस वक्त 7,500 रुपए गज और पुलिस वाले ने लिया था 1,000 रुपए गज और किले वाले ने लिए थे 500 रुपए गज बनाने का। मतलब पता आपको भी था कि यहाँ पर ये जगह सही नहीं है? सही तो नहीं है, पर पुलिस वाले और यहाँ के डीलर यकीन दिला रहे थे कि नहीं नहीं टूटेगी। पुलिस वाले यकीन के साथ बोल रहे थे कि मुझे 1,000 रुपए गज दो, नहीं टूटेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किले वाले 500 रुपए गज लेते थे, बोलते थे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी बड़ी बस्ती पीछे बस गई तो इधर भी बसी जाएगी, नहीं टूटेगी। 5 साल लोग हमने लिया, जब लिए थे तब उस टाइम हमको क्या बोले थे कि तुम्हें कोई डर नहीं, देखो सब लोगों ने ले लिया। हाँ। अब पक्का करके घर बनाओ, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। हाँ। आनंद ने मेरे को डबल रुपया लिया, एक बार लिया 2.5 लाख, फिर लिया 2.5 लाख। हाँ। आनंद ने ले के मेरे को दिलासा दे के फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले मेरे को घर बनवाया, पक्का करके घर बनाओ नहीं तोड़ेगा। अब जब ये जो हिसाब किया उनने, जो तोड़ा, इनको उन लोगों को सजा देना चाहिए ना। आपका भी मकान टूटा है या टूट चुका है? दो टूट गया मेरा, दो टूटा है। आपके दो मकान टूटे हैं? एक लड़की का, एक मेरा। अच्छा, आपकी बेटी का भी और आपका, दोनों का टूट गया? हाँ, दोनों का टूट गया। अच्छा, तो ये बताइए आपने मकान यहाँ क्यों बनाया, जब किले के अंदर की जमीन है, ASI की जमीन है, मकान क्यों बनाया आपने? तो डीलर ने बेच दिया तो इसलिए हम लोग खरीद के बनाए, गरीब आदमी पेट काट के बोलिए, हम लोग जमीन खरीद के उसके बाद बनाए, पैसा बहुत मेहनत करके लाए, हम लोग पेट काट के बनाए जमीन। 14वीं सदी में तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने ये किला बनवाया था। किले को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित घोषित किया है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, लेकिन किले के अंदर बाकायदा कॉलोनी बन और बस गई और सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हुआ और कुल 1,248 मकानों को तोड़ने के निर्देश दिए। इसी के बाद ASI, MCD, पुलिस प्रशासन लगातार 2 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सोचने की बात है कि जिस ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले में एक ईंट नहीं लग सकती, वहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई, बस गई। अब जिन्होंने यहाँ मकान बनाए थे उनको तो सजा मिल गई, मकान टूट गए, टूट भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मकान बनवाए, ज़रूरी है उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय हो।
तुगलकाबाद किले से अपने कैमरा सहयोगी करण पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।